पहले आपको समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी को सुधारना जरूरी है क्यों, अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। कोई बंदा पहले रिच हो जाता है, कम समय में उसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो रिच बन जाता है, लेकिन किसी के पास अगर जल्दी जल्दी पैसा नहीं आ रहा है तो पोर रह जाते हैं। आपको अगर पर्सनैलिटी आपका जो है उसको रिच करना है तो आपको जल्दी जल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ तीन मॉडल के बारे में। एक है MBTI, दूसरा है OCEAN यानी कि ओशन, एंड तीसरा है पेन मॉडल। इन तीनों मॉडल में क्या क्या पर्सनालिटी के बारे में बोला गया है मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो तीन मॉडल है उससे सबसे पहले हम लोग का जो आता है इस MBTI मॉडल में जो पर्सनैलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कुछ क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। जैसे आप देख लीजिए, पहला क्लासिफिकेशन ये है कि एक्सट्रोवर्शन एंड इंट्रोवर्शन। अब एक्सट्रोवर्शन क्या है, इंट्रोवर्शन क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद होता है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, उसके बाद होता है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, एंड उसके बाद होता है जजिंग वर्सेस परसीविंग। तो यही है अपना MBTI पर्सनालिटी टाइप। तो इसमें हम लोग बात करते हैं पहले स्टाइल की। तो एक्सट्रोवर्शन वर्सेस इंट्रोवर्शन क्या होता है। अगर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन में आप अच्छे फील करते हो, अगर आप अकेला में थोड़ा अपने आप को लेके या तो पूरा दुनिया को लेके या तो अपना काम करने में आपको फील होता है कि मैं आई एम फीलिंग गुड, या तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, देन यू फील यू आर लाइक ए इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, जो लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं। भाई अकेला कॉलेज जाने में मन नहीं लग रहा है, चलो 5-6 दोस्त को बुला लेते हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं। भाई अकेला मार्केट जाने में अच्छा नहीं लगता है, भाई 2-4 दोस्त को बुलाते हैं फिर चलते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो लोग एक साथ अगर काफी बंदा जो भीड़ रहता है उसके अंदर वो लोग रहते हैं तो वो लोग एनर्जी फेच करते हैं, उसके एनर्जी ज्यादा होता है सबके साथ रहने में। जो इंट्रोवर्ट होता है वो अकेला ही थोड़ा बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि वो भीड़ में रहता है तो उसकी एनर्जी बैटरी डाउन होता है। तो वही है आपका सिंपली एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो आप उनमें से कौन सा हो आपको भी पता लग गया होगा अभी तक। अगर आपको पता नहीं लगा है तो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे दूंगा जिसमें आप अपना जो पर्सनालिटी है वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन चेक करने से पहले मैं आपको बोल दूं, आप पूरा ऑनेस्टली आंसर देना, क्योंकि आपका आंसर जो ऑनेस्ट होगा अच्छा है कि बुरा है वो आप सोचियो मत। आप तो देखने वाले हो बस अपना पर्सनालिटी, तो अच्छा बुरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप ओरिजिनली क्या हो इसके बारे में अगर आपको पहले से पता लग जाएगा वो भी ऑनेस्टली, देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको अगर ठीक करना है और कहां ठीक है या नहीं ये आप समझ सकते हो, सही है ना। और दूसरा बात कि देखिए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई पूरा एक्सट्रोवर्ट होगा कोई पूरा इंट्रोवर्ट होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप देखिए, कोई बंदा हो सकता है कि कुछ सेक्शन उसका पर्सनालिटी का एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है और कुछ पोजीशन उसका इंट्रोवर्ट भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि एक बंदा पूरा एक्सट्रोवर्ट और पूरा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। सेंसिंग मतलब क्या होता है, सेंसिंग मतलब सेंस करना। हम लोगों के पास 5 ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन जिसे कहते हैं, मुंह कान नाक जो भी है। तो इस सेंसिंग ऑर्गन से हम लोग इंफॉर्मेशन फेच करते हैं, और इंफॉर्मेशन फेच करते हैं मतलब सपोज हम लोग एक शादी में गए हैं, उस शादी में खाना खा लिया हम लोग, उसके बाद शादी देख लिया पूरा घूम लिया हम लोग। अब सेंसिंग ऑर्गन से कैसे उसको इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं कि शादी बढ़िया हुआ है कि बढ़िया नहीं हुआ है, हम लोग देखते हैं सेंस के थ्रू कि आसपास का जो माहौल है वो कितना अच्छा है, सब कैसे घुल मिल रहे हैं, सब बातें कैसे कर रहे हैं, और खाना डिसेंट है कि नहीं, और मतलब चल जाता है, सब मिला के हम लोग सेंस कर लेते हैं कि शादी बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो लोग क्या करता है इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब लॉजिकली वो लोग सोचते हैं कि शादी में कैसा हुआ, खाना कौन सा खिलाया गया, शादी में सब बिहेव कैसे कर रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन मिला के वो लोग सोचते हैं कि शादी कैसे गया। तो ये हो गया हम लोग का सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। नेक्स्ट आता है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। देखिए सारे में जो आपको बता रहा हूँ एक पर्सनालिटी का टाइप होता है, जो लोग थिंकिंग करते हैं वो लोग अलग पर्सनालिटी का होता है, जो फील करते हैं वो लोग अलग पर्सनालिटी का होते हैं। हम लोग ऑफन सुने हैं कि फील करते हो तो हार्ट से हम लोग फील करते हैं, और थिंकिंग जो होता है वो ब्रेन से होता है, लेकिन बात घूम फिर के वही आता है कि दोनों काम तो ब्रेन से होता है। बोलते हैं भले हम लोग हार्ट से और ब्रेन से, लेकिन दोनों काम ब्रेन से होते हैं, लेकिन जो थिंकिंग और फीलिंग होता है ये दोनों अलग अलग होता है। थिंकिंग मतलब फील, वही आ गया के लिए हम लोग डिडक्ट करते हैं, इसको रैशनली हम लोग सोचते हैं बेस्ड ऑन रैशन, और जो हम लोग फीलिंग्स से सोचते हैं वही हो गया फिर फीलिंग्स वाला सिस्टम, जो हम लोग पहले बोले हैं इंट्यूशन और सेंसिंग वाला ऑप्शन कि हम फील करते हैं हार्ट से। उसका मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं आसपास का महल कैसा है और सिचुएशन कैसा है, किसी के बीच में क्या सच है क्या झूठ है, सारे चीज हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है जजिंग वर्सेस परसीविंग। परसीविंग मतलब होता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परसीव करना मतलब देख के सोचना, देख के समझना। अब जजिंग में क्या होता है, परसीव करना
आपने कोई चीज देखा, किसी को देखा, उसके बाद आपको लॉजिकली आप सोचे हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसे है। आप उसको पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि बंदा क्या क्या एक्शन लेता है, कौन सा सिचुएशन में क्या करता है, उसके बाद ही आप उसके बारे में लॉजिक डेवलप करते हैं, उसके बाद आप परसीव करते हैं। और जज क्या होता है, हम लोग ऑफन कहते हैं ना किसी को जज करना सही नहीं है, लेकिन बात ऐसा नहीं है कि जज करना सही है क्या गलत है, वो तो मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जजिंग जो पर्सनलिटी है वो क्या करता है, पहले उसके दिमाग में एक सेट रहता है थ्योरी, अगर कोई बंदा ऐसे बिहेव करता है तो वो बंदा इस टाइप का है, और कोई ऐसा बिहेव नहीं करता है तो वो बंदा इस टाइप का है। तो उसी प्री ऑक्यूपाइड लॉजिक के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करते हैं, किसी को जज करता है। अगर उसी लॉजिक किसी के साथ मैच हो गया कि बंदा ऐसा करता है उसका मतलब ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा करता है तो बंदा ऐसा है, तो इसे कहता है जजिंग। तो हो गया एफोर्ट टाइप। तो हम लोग कवर कर चुके हैं एमबीटीआई टाइप क्या होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पर्सनालिटी जो ट्रेट है, उसे कहते हैं द बिग फाइव और ओशन मॉडल। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ काफी पुराना मॉडल है और जो बिग फाइव मॉडल है काफी रिलायबल भी है। तो इसके हिसाब से जो ओशन मॉडल है उसमें हम लोग देख सकते हैं इसका पांच कैटेगरी। एक होता है ओपननेस, दूसरा होता है कॉन्साइंचुअसनेस, तीसरा होता है एक्सट्रोवर्शन, एंड फोर्थ होता है एग्रीबलनेस, एंड फिफ्थ होता है न्यूरोटिसिज्म। तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं सारे ऑप्शन क्या होता है। जो ओपननेस होता है, कोई बंदा अगर ओपन है तो ओपन मतलब क्या होता है, सबके साथ घुल मिल जाता है, सबके साथ बातचीत करते रहते हैं, और वो क्या होता है काफी क्रिएटिव होता है, जो उसका क्रिएटिव पैटर्न है। ऐसा बात नहीं है जो ओपन नहीं है वो क्रिएटिव नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट यही है कि वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होता है क्योंकि वो लोग ज्यादा घुल मिल के जाते हैं तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास आ जाता है, सबके साथ बात करते हैं, और वो लोग ज्यादा जानते भी है और ज्यादा बोलते भी है। तो ये हो गया ओपननेस। तो इस पर्सनैलिटी जो ओशन का मॉडल है इसे डिपेंड करके भी आप कोई पर्सनैलिटी कोई बंदा को डिफर कर सकते हो। दूसरा होता है कॉन्साइंचुअसनेस। कॉन्साइंचुअस मतलब यही होता है, इस टाइप का पर्सनैलिटी जो होता है वो काफी मोटिवेटेड होता है, डिसिप्लिन होता है, एंड ट्रस्टवर्थी होते हैं। इन टाइप के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, और ये लोग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो इस टाइप के अंदर नहीं आते हैं वो लोग थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, एंड वो थोड़ा बहुत लेस रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो बात करते हैं तीसरा टाइप एक्सट्रोवर्शन। मैंने आपको पहले बोल दिया इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन क्या है, तो उसी टॉपिक से आप सोचिए कि एक्सट्रोवर्शन मतलब जो लोग क्या करते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ज्यादा सोशल होते हैं, वो लोग ज्यादा भीड़ में रहते हुए वो लोग ज्यादा एनर्जी फेज करते हैं, और वो लोग ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं सबके साथ एक साथ रहने में। एक साथ मतलब यही होता है कि ज्यादा आदमियों के बीच में रहते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होता है वो लोग क्या होता है थोड़ा अकेलापन में अच्छा फील करते हैं, थोड़ा भीड़ में जाते हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी उसका लॉस होता है, तो इस टाइप को कहते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और एग्रीएबलनेस में क्या होता है, किसी से बात कर रहे हैं वो अगर फ्रेंडली है, वार्म है, तो ज्यादा आपके साथ एग्री कर जाएगा, भले वो होता है कि सच हो या झूठ हो उससे कुछ फर्क उसको नहीं पड़ता है, वो आपके साथ एग्री करता है, तो होता है एग्रीएबलनेस। उसके बाद लास्ट आता है फिफ्थ न्यूरोसिटिज्म। न्यूरोसिटिज्म में क्या होता है, जो बंदा न्यूरोसिटिज्म में हाई मार्क्स आता है जिसका, मतलब वो इमोशनली थोड़ा इनस्टेबल है, उसका एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगा, हर टाइम स्ट्रेस लेता रहेगा, और उसका टेंशन थोड़ा ज़्यादा है लाइफ में, तो वो लोग थोड़ा न्यूरोसिटिज्म होता है। लेकिन जो बंदा थोड़ा बहुत लेस न्यूरोसिटिज्म होता है वो उतना स्ट्रेस नहीं लेता है, वो उसका लाइक होता है कि ऑल इज वेल, लाइफ इज गुड, या प्रॉब्लम तो होता रहेगा ना लाइफ में, तो लेकिन क्या है उसको तो समझना ही पड़ेगा। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। सो लेट्स स्पीक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन, पेन मॉडल। पेन मॉडल में फिर से वही बात घूम फिर के आ जाता है आपका साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्शन और न्यूरोटिज्म। लेकिन इसमें खास बात यह है, इसमें और भी थोड़ा बहुत सब कैटेगरी दिया हुआ है, जो है स्टेबल इंट्रोवर्ट और अनस्टेबल इंट्रोवर्ट, स्टेबल एक्सट्रोवर्ट और अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है कोई बंदा स्टेबल इंट्रोवर्ट, मतलब देखिए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग थोड़ा बहुत भीड़ में अच्छा रहना पसंद करते हैं उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो लोग भीड़ पसंद नहीं करते हैं वो लोग को इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब इसके अंदर भी जो लोग स्टेबल होते हैं, होता है ना कि एक्स्ट्रोवर्ट है फिर भी अनस्टेबल हो सकता है कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसको प्रॉब्लम है थोड़ा, और जो लोग इंट्रोवर्ट है हो सकता है वो लोग भीड़ में है लेकिन फिर भी वो लोग स्टेबल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आपका प्रॉब्लम है, आप एक्स्ट्रोवर्ट हो तो आप अच्छा हो, ऐसा बात नहीं है। काफी इंट्रोवर्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सारे लोग आते हैं, वॉरेन बफेट, ये लोग दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से हैं, और ये लोग काफी इंट्रोवर्ट भी है, ये लोग इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हैं फिर भी ये लोग काफी रिच है और काफी इमोशनली स्टेबल भी है। तो आप अगर इंट्रोवर्ट भी हो तो आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, आप अपने डोमेन में अच्छे भी कर सकते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कौन सा काम आपके लिए सही है। और अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट हो तो फिर भी आपके लिए भी काफी एग्जांपल है, दुनिया का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन तो एक्स्ट्रोवर्ट ही है, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बस बैलेंस करके चलना है। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको बैलेंस रहना है, अगर भीड़ है तो भी आपको स्टेबल रहना है, अगर भीड़ नहीं है तो भी आपको अकेलापन में थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए। तो यही है सारे पर्सनैलिटी टाइप। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे जहां हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।
So, if you really like this episode, then click on the like button. And thank you so much, guys, for watching this episode. हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पे. तब तक के लिए, take care, my dear crushers.